मैं रिफात अहमद वानी और मेरे साथ इशफाक अहमद वानी, वी ट्विन ब्रदर्स फ्रॉम वांदीवलगाम कोकरनाग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने आज यहाँ पे नई इनोवेशंस दिखाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी आई है, जो हमारे प्रेम मिनिस्टर सर ने यहाँ पे नए नए लॉन्च किए 2015 में, पहले ये इनाग्रेट हुई थी यहाँ पूरी इंडिया में। और आज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो वजह यही है कि वानी एग्रो टूल्स प्लांट अगर DIPP रजिस्टर है, बाकी जो सपोर्ट मिला है स्टार्टअप इंडिया की तरफ से, हम उसी लिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपनी इनोवेशन को आगे बढ़ाएं। और जो स्टार्टअप इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिला है तभी यहाँ पे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हमने कोई इनोवेशन की है, हम पहले क्या सोचते थे कि इसमें सपोर्ट नहीं मिला, तो लेकिन आज हमारे पास सपोर्ट भी है, आज हमारे पास स्कीम्स भी है। और जो आज ये प्रोग्राम, आज के दिन का जो वन डे प्रोग्राम था हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और ज्ञान की तरफ से, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। स्टार्टअप इंडिया की हम बड़े शुक्रगुजार हैं। स्टार्टअप इंडिया की पहले तो हम इनोवेशन करते थे, उसके जब हम इनोवेशन करते थे वो हमारे अपने ही घर में रहती थी, बट जब स्टार्टअप इंडिया आया तो स्टार्टअप इंडिया ने ही हम लोगों को ये सिखाया कि आप खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकते हो, यूनिट बना सकते हो। या जैसे कि स्टार्टअप इंडिया ने हमें सपोर्ट किया, मशीनरी का सपोर्ट किया, या बाकी बहुत मतलब जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो ISO होता है, हम लोगों को कैसे निकलना होता है मार्केट में, वो हम लोगों को सिखाया स्टार्टअप इंडिया ने। अभी तक सर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली हमें IIT मंडी की तरफ से अवार्ड मिला है, फर्स्ट विनर अप रहे हैं। और औरंगाबाद में मैनेज मैजिक की तरफ से अवार्ड मिला है। रिसेंटली हमें सुकास्ट कश्मीर जो शालीमार है वहां से भी अवार्ड मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे मैं बेस्ट कहना चाहूँगा, जो हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें एनकरेज किया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे फार्मर्स के साथ मीटिंग करो, उनको समझाओ कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल है इसका। तो सर अगर हम अवार्ड की बात करेंगे, ये खाली हम लोगों को स्टेट अवार्ड नहीं मिले हैं, 4 हमें नेशनल अवार्ड मिले हैं और उसके साथ साथ हमें गोल्ड मेडल भी मिला है तुर्की गवर्नमेंट से, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिले हैं बहुत सारे। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अवार्ड दिया है, प्रतिभा पांडेल ने दिया है, आर्य मिशेलकर सर ने दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज्ञान है, ज्ञान का हमारे साथ हमेशा रहा है ताल्लुक, ताकि हम अपनी इनोवेशंस आगे कैसे बढ़ाएंगे। NIF का ताल्लुक हमारे साथ रहा है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सब यूथ को कहना चाहूँगा आज, क्योंकि आज आप रुके मत, आप अपना काम करिए, गवर्नमेंट आपके साथ है, आपकी आपके साथ स्कीम्स है, नई नई स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाले हैं, आप कहीं पे भी कोई भी हिडन नहीं है।